हेलो फ्रेंड्स, आज 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। और 2022 में इस डे के लिए थीम रखा गया है वर्ल्ड ओशन डे थीम पुनरुद्धार महासागर के लिए एक सामूहिक कदम, यानी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1992 से की गई थी। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, उसी में तय हुआ था कि विश्व महासागर दिवस मनाया जाए, जिसे 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी 2009 से विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। और इस दिवस का महत्व क्या है, हम जान रहे हैं कि सागर जो होती हैं या महासागर, वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि धरती का 97% पानी महासागर में ही है और धरती को बोला जाता है एक वाटरी प्लैनेट, जलीय ग्रह के तौर पर इसको स्वीकार किया जाता है, इसलिए कि इसका 3/4 जल ही है, 1/4 पर ही स्थल। तो पानी का इतना अधिक महत्व है, उसमें भी 97% जहाँ पानी हो तो उसका कितना महत्व होता है। प्राचीन काल से ही समुद्र हमारे लिए आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान का केंद्र रहा है, और समुद्र के बिना हमारे लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसलिए कि जैवीय विविधता का लगभग 80% समुद्रों महासागरों में ही है, और यह 50% ऑक्सीजन का भंडार है, यानी 50% ऑक्सीजन महासागरों से ही आता है, जबकि कार्बन का यह एक बड़ा रिजर्वर के तौर पर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भारी मात्रा में यह सोखता है, इस तरह से धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाए रखने में मदद करता है। लेकिन आज महासागर खुद ही अस्तित्व के संकट झेल रहा है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर के और तमाम तरह के पोल्यूशन समाहित हो रहे हैं, जिनसे बचना जरूरी है, नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के बजाय या ग्लोबल वार्मिंग का भी जिम्मेवार हो जाएगा। खुद समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, यानी अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता उसमें नहीं बचेगी, और उसमें भी पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें अंदर से प्रोड्यूस होगी। तो इन सबसे बचने के लिए हमें महासागरों पर काफ़ी ध्यान देना होगा, वाटर बॉडीज पर काफ़ी ध्यान देना होगा, कहने का अर्थ कि महासागरों को हमें बचाना होगा, क्योंकि महासागर हमारे लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्रोत के तौर पर हैं, और इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए इस दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम चाहे समुद्र के किनारे रहते हों या नहीं रहते हों, लेकिन सागरों के प्रति हमारी जिम्मेवारी ज़रूर है, और उस जिम्मेवारी को हम समझें, इसके बारे में जागरूकता लाएं, जागरूकता फैलाएं, और अदर वाटर बॉडीज भी हैं तो उनको भी संरक्षित करें, सुरक्षित करें, वाटर पोल्यूशन से बचें। ये सारा संदेश आज वर्ल्ड ओशन डे पर रिसीव किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। आज 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड ओशन डे, और कंपटीशन के लिहाज से भी इस डे को ध्यान में रखिएगा कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, और 2022 के लिए इसका थीम है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कदम, यानी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। और इसे 1992 से ही मनाया जा रहा है, लेकिन 2008 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस तिथि को मान्यता दी जा चुकी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस तिथि को, यानी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी, और इसे विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया भी जा रहा है, ताकि सागर के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, सागरों को पॉल्यूशन से बचाया जा सके, कह सकते हैं कि मानवीय सभ्यता को भी बचाया जा सके, और साथ ही साथ जैव विविधता को भी बचाया जा सके, क्योंकि जैव विविधता का 80% समुद्र या महासागरों में ही है।
आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।